आज हम 17 चैप्टर मुद्रा एवं वित्तीय संस्थान करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करेंगे, जो आसानी से समझ में आ सकता है। मनी यानी पैसा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तब जब इंसान ने एक सेटल लाइफ जीनी शुरू की थी, उससे पहले हम सिर्फ नेचर पर डिपेंडेंट होते थे। धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती गई और काम भी बढ़ते गए, तो प्रोडक्शन को आपस में इंसान ने अपने रिश्तेदारों में नीड्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। गुड्स और सर्विसेज, किसी को खेतीबाड़ी का काम दे दिया, किसी को जानवर संभालने का काम दे दिया, किसी को बर्तन बनाने का काम दे दिया, किसी को कपड़े बुनने का काम दे दिया, जो जिस काम में माहिर था। और जब ज़रूरत पड़ती थी, वो एक दूसरे से इन वस्तुओं और सेवाओं को बदल लेते थे। और इस तरीके से सबसे पहला ऑक्यूपेशन आया, ऑक्यूपेशन यानी काम, और सबसे पहला बिजनेस आया बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसके अंदर गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में सर्विसेज या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दी जाती थी। कुछ समय तक तो ये चला, लेकिन इसमें कई कमियां नज़र आने लगी। सबसे पहली और कॉमन जो बात थी, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी ज़रूरतों का दोहरा संयोग। मतलब अगर किसी एक को एक चीज़ की ज़रूरत थी, तो दूसरे को भी उसकी दी हुई वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे अगर एक जूते वाले को अगर दूध की ज़रूरत है, तो वो दूध वाले को जूता देगा और बदले में उससे दूध लेगा। लेकिन अगर दूध वाले को जूते की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको मना कर देगा, ठीक है। अब कब तक जूते वाला अलग अलग दूध वालों के पास जाता रहेगा, और अगर किसी ने भी उसके जूते नहीं लिए, तो इसकी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी। इसी के विपरीत करते हैं, अगर एक दूध वाले को जूते की जोड़ी की ज़रूरत है, वो दूध लेकर इसके पास जाएगा, परंतु ये कह देगा कि मेरे पास और पहले से ही काफ़ी सारा दूध पड़ा हुआ है, कल तक तो ख़राब हो जाएगा, आज मैं तुझे जूते नहीं दे सकता। तो दोनों को ही एक दूसरे की वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर दूसरी बात थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय का माध्यम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस कमी को पूरा करने के लिए। कोई एक चीज़ ऐसी हो जो इन दोनों को ही ज़रूरत पड़े, पर वो चीज़ क्या हो। तीसरी चीज़ थी स्टोरेज वैल्यू, यानी संभाल के रखना। जूते वाला तो अपनी वस्तु को संभाल के रख सकता है, परंतु दूध वाला या सब्जी वाला, ऐसी कई चीज़ें पेरिशेबल गुड्स जो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, और अपनी अगली ज़रूरत के लिए उनको मुंह देखना पड़ता, जिसको हम संभाल के रख सकें और जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर सकें। तो इन कमियों की वजह से किसी ऐसी वस्तु की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अब वो क्या हो जो इजीली अवेलेबल भी नहीं हो कि हर कोई खुद ही बना ले, ठीक है, हर कोई लेने के लिए राज़ी हो, और जो स्टैचुरी यानी लीगल हो, यानी सरकार या राजाओं द्वारा पारित हो। फिर उस समय के राजाओं ने सिक्कों का चलन बनाया, जो सोने के, चांदी के, कॉपर के अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से होते थे, जिसके ऊपर राजाओं का ठप्पा लगा होता था, और वो लीगल थे, जो हर कोई लेने के लिए राजी हो सकता था। सबसे कम वैल्यू के जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, वो थी कौड़ियाँ यानी ऑयस्टर शेल। मुद्रा आने से मुद्रा के कई कार्य भी आए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य तो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय का माध्यम। अब पैसों के बदले में आप कोई भी वस्तु या सेवा ले सकते थे, और हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता था। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का मापन, यानी हर चीज़ का अपना अपना मूल्य होने लगा। जैसे कार अगर 2 लाख की है, सोना 40,000 रुपये 10 ग्राम है, या दूध 50 रुपये किलो है, हर चीज़ का अपना अपना मूल्य पता लगने लग गया। आसान, इजी टू गिव लोन्स, क्रेडिट यानी भावी भुगतान, आसानी से हम उधार सामान लेने लग गए, या फिर किसी को पैसा उधार पर देने लग गए। इजी टू एक्यूमुलेट, हम उसको इकट्ठा या संचय आसानी से कर सकते थे।
अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मनी। फिएट मनी यानी फिएट मुद्रा जो सरकारी ऑर्डर द्वारा पारित की जाती है, सरकार द्वारा पारित की जाती है, जिसको हम करेंसी कहते हैं। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है जो कॉइन्स यानी सिक्कों और पेपर मनी के रूप में आती है। पेपर कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग वैल्यू के 10 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 का नोट। इसको आसानी से हम आज के बच्चे समझ सकते हैं क्योंकि सबने डीमोनेटाइजेशन देखा है। एक समय में रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। अगर किसी के पास अभी वो रुपए हैं तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गए हैं, जिसको हम सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के दौरान कैंसिल कर दिया था। अब आती है फिड्यूशरी मनी यानी मित व्यय धन, जो वैल्यू ऑन कॉन्फिडेंस यानी विश्वास के आधार पर दिया जाता है, जिसको सरकार पारित नहीं करती। हम लोग एक दूसरे को विश्वास के आधार पर देते हैं, जैसे चेक, बैंक नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को कुछ लोग हुंडी भी कहते हैं, एक लिखित कागज जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है कुछ समय बाद पेमेंट करने के लिए। अब प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आज जिसको सब जानते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड भी कहते हैं। आपको उस समय रुपए पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके पास ये कार्ड है वो आसानी से पेमेंट कर सकता है। आजकल एक नया चलन है इनविजिबल मनी, अदृश्य मुद्रा यानी ऑनलाइन पेमेंट की। आप किसको ना कार्ड के रूप में ना सिक्कों के रूप में पैसा देते हैं किसी को, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अब लोन यानी उधार। उधार किसी को पैसा देना, बदले में क्या इंटरेस्ट होगा, ब्याज इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। और पैसा आने से लोन आसानी से दिया जाने लगा और क्रेडिट बिजनेस इनटू बीइंग आया। उधार दो तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक इंस्टीट्यूट वो होते हैं जिनको सरकार गाइड करती है या देखती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और अनौपचारिक इनफॉर्मल यानी अगर हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी मनी लेंडर से जब पैसा लेते हैं तो वो इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रेडिट होता है।